आपको बता दें कि कोतवाली हाथरस गेट पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो शातिर चैन स्नैचर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में खड़े हुए हैं। शातिर चैन स्नैचर की सूचना मिलने पर कोतवाली हाथरस गेट प्रभारी गौरव सक्सेना मय फौज के साथ लहरा बाईपास पर पहुंच गए। जन्हा से पुलिस ने दोनों चैन स्नैचरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ में शातिर बदमाशों ने बताया कि तकरीबन 3 महीने पहले उन्होंने कोतवाली सदर क्षेत्र के आगरा रोड से एक महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। इससे पहले भी इन्होंने हाथरस में कई चेन लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4,150 रुपये की नकदी के साथ 2 किलो 250 ग्राम नशीला पाउडर और 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। घटना का खुलासा करते हुए सीओ सिटी मनोज शर्मा ने बताया, आज दिनांक 31/7/22 को समय करीब 12 बजे हाथरस गेट पुलिस द्वारा लहरा चौराहे के पास से दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 तमंचा देसी 315 बोर व 4 कारतूस जिंदा तथा 2 किलो 250 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ है। अभियुक्तों के कब्जे से 4150 रुपये नकद बरामद हुए हैं, जिसके संबंध में उन्होंने बताया है कि यह रुपये उनके द्वारा पूर्व में कोतवाली थाना क्षेत्र में लूटी गई चेन के बेचने से प्राप्त हुए थे। यानी ये लोग पहले हाथरस कोतवाली क्षेत्र में घटना कर चुके हैं और गेट में भी घटना की फिराक में थे ये लोग। हाँ, ये घटना करने के लिए प्रयासरत थे तथा पूर्व में भी इन्होंने कोतवाली में एक चेन लूट घटना की है। ये आगरा के रहने वाले हैं, वहाँ से भी इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। क्या क्या बरामद हुआ है सर इनके पास से? इनके पास से 2 तमंचा देसी 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस 315 बोर, 2 किलो 250 ग्राम नशीला पाउडर तथा 4150 रुपये नकद।